अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने की तैयारियां। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर 20 साल बाद अफगानिस्तान पहुंच गए, इस्तकबाल भी किया गया, अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। तालिबान जराए का कहना है कि तालिबान के कतर सियासी दफ्तर में मौजूद कयादत दोहा से हंगामी तौर पर कंधार पहुंची है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने अफगानिस्तान रवानगी से पहले कतरी वजीर खारजा से मुलाकात भी की। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना है कि इस बार तमाम अफगान जंगजुओं सियासतदानों पर मुश्तमिल कौमी वहदत की हुकूमत का कयाम का इरादा किया है। अफगानिस्तान में कानून इस्लामी होगा, जल्द काबिले कबूल सियासी कयादत का ऐलान करेंगे। खवातीन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। काबुल में तालिबान के तर्जमान जबीउल्लाह मुजाहिद की पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा, हमें फख्र है कि हमने अपनी आजादी छीन ली है। अमरीका पड़ोसियों को यकीन दिलाते हैं कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, सबको गैर मुसल्ला करेंगे। आलमी बरादरी को हमारे मजहबी असूलों का एहतराम करना होगा, मनशियात को जड़ से खत्म कर देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान की आलमी रहनुमाओं से मुशावरत, बरतानिया और डेनमार्क के वज़ीर आजम और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान से टेलीफोन पर बातचीत, अफगानिस्तान में कयाम आम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। इस्लामाबाद के दौरे पर आए अफगान वफद ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की। वजीर आजम ने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान में अमन का कोई ख्वाहिशमंद मुल्क नहीं है। अफगान वफद ने जीएसक्यू रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगान मसले के हल के लिए पाकिस्तान मदद के लिए तैयार है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से वसीउल बुनियाद ताल्लुकात चाहता है। तालिबान को तस्लीम करने का फैसला तन्हा नहीं करेंगे, फैसला दोस्त ममालिक से मिलकर करना चाहते हैं, सबसे राबते में हैं। वजीर इत्तला फवाद चौधरी की विफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन पर हमारा साथ दे, 15 रोज में फैसला को इकदाम करने जा रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से 2023 के इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तेफाक हो गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 34 वोट लेकर सदर आजाद कश्मीर मुंतखब। सुल्तान महमूद आजाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब हुए हैं। चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर 24 अगस्त को 9 मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार अब्दुल वहीद ने वोट 16 हासिल किए।